Hey, hi, welcome back to FSA Entertainment. My name is Fahd Zariwala. मैं हूँ गुलजार भाई के साथ. अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई. वालेकुम सलाम फहद भाई. गुलजार भाई ने हमें इनवाइट किए हैं श्रीनगर. इनकी ड्राई फ्रूट्स की शॉप है यहाँ पर. गुलजार भाई, क्या क्या बेचते हो आप? फहद भाई, हम वॉलनट बेचते हैं, बादाम बेचते हैं, सैफरान बेचते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट में वो हम बेचते हैं. ओके. और हम पूरे इंडिया में कुरियर कर सकते हैं, जिसका भी ऑर्डर होगा. जैसे हम आपको बोले कि किसी का ऑर्डर मुंबई होगा तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी डिलीवरी होगी. कम से कम दाम में मिल जाएगा. जी. हमारे पास जैसे आप समझ लो फहद भाई, हमारे पास वॉलनट गिरी है. कम से कम हमारे पास वॉलनट गिरी 10 वेरायटी. तो हम उस वक्त कॉल पे कस्टमर को बताएंगे इसमें क्या क्या खासियत है. जैसे ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, 10 ग्रेड तक है. जो वो पसंद करेगा वही उसको मिलेगा. तो हम डिटेल में सारी ड्राई फ्रूट्स की वीडियो बनाएंगे. जी. दल लेक पे तो मैं आया हूँ पहली मर्तबा. जब हम 2017-18 में आए थे तो हम दल लेक के करीब में ही एक होटल में ठहरे थे. अब हम कहीं और जगह पे हैं, लेकिन नाइट में हम फर्स्ट टाइम आए. नाइट में भी ऐसी रौनक है यहाँ पर. जी बिल्कुल, नाइट में भी ऐसी रौनक तो है. ये जो शिकारा वगैरह है ये कौन से समय तक के चलती रहती है? ये तो 12 मंथ्स बराबर चलती. कौन से समय यानी रात में कब रुक जाती है? रात में बराबर 12 बजे तक. 12 बजे तक की चलती है. 11 बजे 12 बजे. और जैसे आप देख रहे हो सैलानी आते भी है. मैं जब अक्टूबर में आया था श्रीनगर तब फ्लाइट पूरी खाली थी. आई थिंक तकरीबन 20-30 लोग ही थे प्लेन में. आज खचाखच भरी हुई थी. यानी इतने लोग आ रहे हैं कश्मीर इस वक्त. तो इस साल तो बहुत आ रहे हैं. फहद भाई, मैं आपको एक बात बोलूं. जी. जो भी बाहर से हमारा टूरिस्ट यहाँ आ रहा है, जो भी पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, अगर उसने डल लेक नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा. जैसे मैं आपको बोलूं कि विंटर में बर्फ यहाँ होती है, जिसने बर्फ नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा. डल लेक और बर्फ, इसीलिए इसको जन्नत बेनजीर कहते हैं. जन्नत बेनजीर. जी. और वैसे डल लेक फ्रीज हो जाती है ठंड के मौसम में. जी हाँ. इस मरतबा ठंड कैसी पड़ी थी? इस बार ठंड की बात ही मत करो, है ना, बहुत पड़ी. इस बार अच्छा एक चीज है, मैं सुना चिलाई कलान. जी. क्या होता है हमारी ऑडियंस को बताओ, चिलाई कलान का मतलब? देखिए फहद भाई, चिलाई कलान का मतलब होता है यहाँ 40 डेज का वो कोर्स होता है. 40 डेज का एक पीरियड होता है. जी जी जी. जहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है. हाँ, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है. मगर उस वक्त अगर हम घरों में बैठते रहेंगे तो हमें महसूस ज्यादा हो रही है. जब हम दुकानों पे जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है जितनी बॉडी एक्टिव रहेगी उतनी गर्मी महसूस होगी. जी 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 जी. वैसे ये लोग शिकारा राइड की तो बहुत दाम मांग लेते हैं, तो क्या दाम देना उचित है इनको? जी मैं फहद भाई एक बात बोलूं, यहाँ पर तो आप खुद देख रहे हैं कितने शिकारे वाले हैं. एक रिक्वेस्ट मैं हर एक कस्टमर को करता हूँ जो भी यहाँ आए शेयर करने, हर एक के पास जाए, जहाँ उसको सस्ता लगेगा वहीं पे वो क्लिक करे. इनका ये जरूरी नहीं है सब तो एक ही दाम करते होंगे. नहीं नहीं नहीं. अगर आपकी है शिकारा? नहीं. तो हमने लास्ट टाइम किया था, खैर ऑफ सीजन था तो सस्ते में था, लेकिन जब सीजन के वक्त आते हैं तो हजारों में मांगते हैं. वो तो भीड़ पे डिपेंड करती है ना. डिपेंड करता है वो तो जरूरी है. और इनका आई थिंक देखिए फहद भाई, मैं आपको एक बात बोलूं. एक बात मैं बोलूं, जब भीड़ होती है तब तो कुछ भी रेट चलती है. जब भीड़ नहीं होती तो हर एक बोलते हैं कुछ ना कुछ तो मॉर्निंग टाइम में कुछ ना कुछ कमाना ही हो. दिन में अगर 1,000-1,500 ही कमाए तो वो सस्ता चलता है. अच्छा एक चीज मैं बता दूं, शिकारा राइड पे अगर बैठ के कोई भी जाता है. जी. मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, थोड़ा आगे आइए आप. जी जी. एक बंदा हम तो जितने बार मैं 3 बार शिकारा राइड लिया हूँ, हर मर्तबा शिकारा वाले होते हैं ना एक चीज बोलते हैं कि भाई बुमरो बुमरो गाना जो है ना वो यहीं पे शूट हुआ था एक हाउस बोट में. जी जी. ठीक है, वो बात बिल्कुल गलत है. वो हुआ था बम्बई के स्टूडियो में हुआ था, फिल्म स्टूडियो में. लेकिन उसी तरह की बोट्स यहाँ पे है, हाउस बोट. हाँ हाँ. वो ऐसी बनाया था. और यहाँ पर जो ये जो सामने दिख रही है ये सब होटल्स है ना, विद लाइक प्रॉपर होटल. आपको लगेगा ये सीधा मकान है ना, सब वॉशरूम एवरीथिंग सभी चीजें. कितने का हो जाता होगा रेंट? तकरीबन 4-5 हजार. 5 हजार भी, 3 हजार भी, 10 हजार भी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी फैसिलिटी. जी जी जी. और वैसे आप अभी आइए घूमने यहाँ पे, तो 4G कनेक्शन भी रिस्टोर हो गया. पिछले 1.5 साल से आई थिंक बंद था. जी, जी, जी. अभी 1 महीना ही हो गया रिस्टोर. ठीक है, आइए. और व्हेनेवर यू कम हियर मेक श्योर टू विजिट दल लेक. दल लेक एयरपोर्ट से कितना दूर है वैसे? दल लेक एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर. 8 किलोमीटर दूर. जी जी. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आएंगे दिन में और लोगों को बताएंगे दिन में कैसी होती है दल लेक. थैंक यू. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया.